नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 बुक्स जो हर विद्यार्थी को जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपकी सफलता के लिए, आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी पुस्तकें हैं। वैसे तो आप लोग अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी खाली टाइम मिले तब आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे दोस्तों जो पहली बुक है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिक द्वारा लिखी ये पुस्तक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कौन सी आपके आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें खराब हैं, उन आदतों को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उन आदतों के जरिए आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इस पुस्तक के माध्यम से आपको देखने को और समझने को मिलेंगी। द पावर ऑफ हैबिट पुस्तक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगी। आप लोग ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगली पुस्तक की बात करते हैं तो वो ये है आपके सामने, ईट दैट फ्रॉग। अब यहाँ पर फ्रॉग का मतलब है कोई कठिन काम से। अक्सर आपने कहते सुना होगा कि जो काम आपको सबसे कठिन लगे वो सबसे बाद में करना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो सबसे कठिन काम है, जो सबसे मुश्किल काम है, उसको सबसे पहले करो। होता यह है कि जब भी कोई कठिन काम होता है तो आप उसको टालते जाते हैं और धीरे धीरे टालने की आदत बन जाती है और वो काम रह जाता है। इसलिए यहाँ पर 21 ग्रेट वेस बताए गए हैं जिनके द्वारा टालमटोल किया जाता है, उनको कैसे आप लोग अपना कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी एक तरीके से ये जो पुस्तक है टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा ये लिखित गई पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं तो ये बुक है द अल्केमिस्ट, पैन कोयलो द्वारा ये लिखी पुस्तक है। और दोस्तों इसमें एक जो है सेफर्ड की कहानी है जो कि एक खजाने की तलाश में निकलता है और पूरी यात्रा उसके खजाने की तलाश में ही निकल जाती है और अंत में उसको ये पता चलता है कि खजाना तो उसके खुद के पास ही है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमारे अंदर ये चीज़ की कमी है, हमारे पास अगर ये कोई दूसरी चीज़ हो तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे। तो इस पुस्तक में ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनके द्वारा ही आप सफल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी पुस्तक है जो कि सभी को पढ़नी चाहिए। 65 मिलियन जो कॉपीज़ है इसकी सोल्ड हो चुकी हैं और बेस्ट सेलर की कैटेगरी में ये आती है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं तो ये पुस्तक है शिव खेड़ा द्वारा लिखित यू कैन विन पुस्तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगी। आप कैसे जीत सकते हैं, विनर्स जो होते हैं उन वो कौन कौन सी चीज़ें अपनाते हैं, कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है, इंटरनेशनली बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आती है और 26 लाख से ज़्यादा इसकी जो कॉपियाँ हैं अब तक सेल हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली पुस्तक की तरफ और ये जो पुस्तक है वो है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित ये पुस्तक है। 20 सालों में सबसे ट्रेंडिंग पुस्तक है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है वो आपके सामने है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगी। इसमें जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने दो जो है व्यक्तियों का वर्णन किया है, दो फादर का वर्णन किया। एक उनके खुद के फादर हैं जो कि गरीब होते हैं, एक उनके फ्रेंड के फादर हैं जो कि अमीर होते हैं। तो कैसे कैसे स्ट्रगल करके, कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कौन सी स्किल्स का प्रयोग करके, किस तरीके से उन्होंने इसमें वर्णन किया वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और एक तरीके से इंटरनेशनली ये टॉप सेलिंग बुक्स है जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। एक चीज़ आपको दोस्तों समझने पड़ेगी, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, एक दो पेज पढ़ने के बाद हमारा मन नहीं होता है पुस्तक को पढ़ने का।
तो दोस्तों आपको ये बात दिमाग में याद करनी चाहिए, सोचनी पड़ेगी और इसको संकल्प लेना पड़ेगा कि जो लीडर्स होते हैं वो रीडर्स सबसे पहले होते हैं, यानी जो सबसे पहले रीडर्स होते हैं वही आगे चल करके लीडर्स बनते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक तरीके से लेखक की पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ होता है वो उनकी पुस्तक के माध्यम से मिलता है। आप डायरेक्टली किसी पर्सन से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पुस्तक के माध्यम से उनके विचारों को उनकी ज़िंदगी से रूबरू हो सकते हैं। अगली दोस्तों जो पुस्तक है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जो दिन भर भी क्रियाकलाप करते हैं वो सारे क्रियाकलाप आपके कॉन्शियस माइंड में होते हैं, लेकिन एक माइंड का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस सबकॉन्शियस माइंड से आपको निकालना है, वो सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक के माध्यम से मिलेंगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित ये पुस्तक है और बहुत ही टॉप पुस्तक है, सभी विद्यार्थियों की ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये भी पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में जो है वो अवेलेबल है, आप इसको अपने मन के मुताबिक ले सकते हैं। अगली दोस्तों जो पुस्तक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। कहते हैं ना सपने देखना चाहिए, हर व्यक्ति को सपने देखना चाहिए, क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तो उनको पूरा करने की भी प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप सपने ही नहीं देखते हैं तो फिर पूरा कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं सपने देखने से क्या फ़ायदा जब वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन सपने देखना एक अच्छी बात और देखना भी चाहिए, लेकिन सपने ऐसे हों जो कि उनका कोई मीनिंग हो, कुछ उनको पॉजिटिव वे में आपको लेकर के जाएं, ऐसा ना हो। सपने तो बहुत आते हैं लेकिन सब सपनों के पीछे आपको नहीं भागना, उन सपनों की तरफ जाना है जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो ये पुस्तक बताती है किस तरीके से हम सपने देखें और किस तरीके से हम रिच हों, अमीर हों, किस तरीके से हम रिच पर्सन बन सकते हैं, तो इस पुस्तक में आपको ये मिलेगी। नेपोलियन हिल द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है और नंबर वन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर वन बेस्ट सेलर में ये पुस्तक आती है। तो दोस्तों ये टॉप 7 बुक्स थी जो सभी विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। अब आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी ये पुस्तक हैं और कौन सी पुस्तक आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पुस्तक शुरुआत से ही पढ़ें, जो पुस्तक आप पढ़ें उसमें जो इंडेक्स पेज होता है उस इंडेक्स पेज में आप हेडिंग होती हैं, टाइटल्स होते हैं, उनके अनुसार जो जो पॉइंट आपको अच्छे लगे उन पॉइंट्स को, उन टाइटल्स को, उन चैप्टर को सबसे पहले पढ़ें जो आपके काम की चीज़ हो। और दोस्तों जिनको ज़्यादा मोटी पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो लोग ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, ड्रीमर्स एंड डूअर्स। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें छोटी छोटी सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ हैं, जो सक्सेस स्टोरी होती हैं, जो मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं, वो चीज़ें इसमें एक एक दो दो पेज में छोटी छोटी बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो दी गई हैं। बहुत ही आप लोग देखते होंगे जो मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं जो अक्सर लोग यूट्यूब पर बताते रहती हैं, तो इन्हीं पुस्तकों से बताते हैं। ये पुस्तक आप एंटरटेन के लिए भी पढ़ सकते हैं, साथ ही मोटिवेशन के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 7 बुक्स थी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये अगर बुक्स बाय करना चाहते हैं तो इन सभी बुक्स का जो बाइंग लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।